السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़दल से 14 रोज़ा मुकम्मल हुआ। आज 15वां रमज़ान शुरू है जिसकी नमाज तरावी पढ़ी गई और नमाज तरावी में 8वें पारे का निसफ हिस्सा शुरू का पढ़ा गया जिसको आपने समाअत फरमाया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पढ़ने और सुनने को कबूल फरमा दे। जो नमाज तरावी में पढ़ा गया हमने उन्हीं में से एक अहम आयत है कि तिलावत अभी की है। हम आप लोगों से मुआतबाना दरख्वास्त करेंगे, बुरा ना समझे, सामने आ जाए, क्योंकि ये जो बैठ के सुनने का अंदाज है इसका मतलब यह है कुरान हदीस अल्लाह व रसूल की अहमियत आपके नज़दीक नहीं है। और सूरह मुनाफिकून में अल्लाह ताला ने मुनाफिकों की सिफत बयान करते हुए बताया का अन्नहुम खुशुबु मुसन्नदा। ऐ नबी, जब आप रब का कलाम सुनाते हैं तो ये मुनाफिक ऐसे बैठ के सुनते हैं गोया एक सूखी लकड़ी का चकला है और रख दिया। ज़रा सोचें, कहीं अल्लाह ताला ने जिनके लिए यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो लफ्ज़ आप लोगों पर सादिक ना आ जाए। इसलिए ज़रा सामने जो दीनी महफिल के आदाब हैं उसका लिहाज रखें आप लोग। जब अल्लाह ताला को रहम आएगा कुछ समझने और गौर करने अमल करने की तौफीक देगा। हमने जो आयत करीमा पढ़ी अल्लाह ताला ने फरमाया हल यंजुरून इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका औ यातिया रब्बुक औ यातिया बअज़ु आयाति रब्बिक। क्या ये इंतज़ार करते हैं कि इनके सामने फरिश्ते आ जाएं या आपका रब खुद इनके सामने आ जाए या आपके रब के निशानियों में से कोई निशानी आ जाए। अगर इनमें से कोई मामला हो गया ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फी ईमानिहा खैरा। जो ईमान नहीं लाए, इन निशानियों में से कोई निशानी अगर ज़ाहिर हो गई उसके बाद ईमान लाएंगे तो उनका ईमान नफ़ा नहीं देगा, यानी अल्लाह उनके ईमान को कबूल भी नहीं करेगा। या कि जो फिस्क फजूर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मनमानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नाम के मुसलमान तो हैं लेकिन इन निशानियों में से कोई निशानी दुनिया में जाहिर हो जाएगी फिर तौबा करेंगे लेकिन अल्लाह उनकी तौबा कबूल नहीं करेगा। लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फी ईमानिहा खैरा। न ईमान लाना कबूल करेगा और न तौबा कबूल करेगा। कुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून। ऐ नबी, कह दो अगर अभी भी अपनी इस्लाह नहीं करते हैं, अल्लाह के हुक्म के सामने अपने सर को नहीं झुकाते तो कह दो तुम भी इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार करेंगे उस दिन का।
एक बहुत सख्त अंदाज में अल्लाह ताला ने इनको वईद सुना दी है। अब ये निशानियां कौन सी हैं? इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह किताबुल फितन के अंदर और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुत तफसीर के अंदर इसी आयत के कई हदीसें नकल की हैं। एक तो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा से पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो? कहा हम कयामत के बारे में बात कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, 10 निशानियां हैं, जब तक वो जाहिर ना हो जाए ईमान कयामत नहीं आएगी। 10 निशानियां आपने गिनाई है। और दूसरी एक हदीस है जिसको रवायत करते हैं अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके अंदर 6 निशानियां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम शरीफ के अंदर नकल करते हैं किताबुल फितन के अंदर, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال बादिरू बिल अमाल सत्ता قبل طلوع الشمس من مغربها अव الدخان अव الدجال अव الدابة او امر ال او خاصه احدكم او امر العامه رواه المسلم। ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال کرنے میں تم لوگ جلدی کرو، 6 چیزیں ظاہر ہونے سے پہلے پہلے، यानी 6 चीजें दुनिया में जाहिर हों उससे पहले पहले तुम आमाले सालेहा करके अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। उनमें से पहली चीज नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो कयामत की बड़ी निशानियों में से, छोटी निशानियां तो बहुत हैं और तकरीबन सब जाहिर हो गई हैं आज दुनिया में इल्ला माशाल्लाह, और छोटी निशानियां जो कयामत की हैं वो जाहिर होने में थोड़ा वक्त लगता है, एक जाहिर हुई कुछ दिनों के बाद। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बड़ी निशानियां जाहिर होगी तो एक आएगी पीछे दूसरी आ जाएगी। जिस तरीके से तस्वीर के दाने होते हैं, धागा तोड़ दू यूं लटको एक साथ गिर जाते, ऐसे ही कयामत की जब बड़ी निशानी एक आएगी तो उसके पीछे दूसरी तीसरी चौथी दम नहीं मिलेगा, जल्दी जल्दी जाहिर होगी। अब उसमें से कुछ मुहद्दिसीन हदीस के हिसाब से कहा सबसे पहले कयामत की बड़ी निशानी इस हदीस में जो नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया तुलुअ शम्स मिन मग़रिबिहा, सूरज हज़्द मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूबता है, लेकिन एक रात ऐसी आएगी लंबी होगी और लंबी होगी और लंबी होगी, तहज्जुद पढ़ने वाला पढ़ पढ़ कर थक जाएगा, लेट जाएगा, नींद आएगी, नींद पूरी होगी, उठेगा, अभी रात बहुत बाकी और पढ़ लो, पढ़ पढ़ के थक जाएगा। दुआएं करने वाला रात को उठकर दुआएं करेगा, दुआ करते करते थक जाएगा। तस्बीहात जिक्र अज़कार करने वाला तस्बीहात में रहेगा, तिलावत करने वाला तिलावत में रहेगा, तिलावत करते करते जिक्र करते करते मग़फ़िरत तलब करते करते दुआएं करते करते थक जाएगा, लेकिन देखेगा सुबह नहीं हो रही है। बदकार आदमी जिनाकार आदमी जिना करते करते थकेगा, सोचेगा कहीं रात पूरी ना हो जाए, लेकिन रात है कि पूरी हो नहीं रही है, सूरज निकल नहीं रहा, सुबह हो रही है।
चोरी करने वाला चोरी करते करते थकेगा, यानी जिसका जो काम है उस रात में वो काम करते करते थक जाएगा, आजीज हो जाएगा, इंतजार करेगा सुबह हो जाए लेकिन सुबह नहीं होगी। रात लंबी लंबी और लंबी और लंबी, इतनी लंबी रात होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग परेशान होके हैरान होके आजीज होकर बेजार होकर अपने घरों से निकलेंगे और गलियों में आ जाएंगे, वो घर वाला भी वो घर वाला भी वो घर वाला भी। आखिर माजरा क्या है, मामला क्या है कि आज सूरज निकलता नहीं सुबह होती नहीं, इसी में सब लोग मुलव्वस हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर लोग देखेंगे सूरज इधर से नहीं बल्कि मगरिब से निकल रहा है, जिधर लोग डूबता है। ये वो बड़ी निशानी होगी जिसके बारे में रब ने फरमाया बताओ तुम फरिश्तों का इंतजार करते हो कि तुम्हारे सामने आ जाए, या तुम्हारा रब तुम्हारे सामने आए, या तुम्हारे रब की बड़ी निशानियों में से कोई निशानी आ जाए। अगर इनमें से कोई चीज आ गई तो जो ईमान नहीं लाया, ईमान लाएगा तो उसका ईमान कबूल नहीं। जिसकी जिंदगी फिस्क फजूर में गुजर रही है, शहवात में गुजर रही है, अब वो तौबा करेगा, मगफरत तलब करेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन उसकी दुआ और तौबा भी रब कबूल नहीं करेगा। अब वो चीज कब जाहिर हो, आज की रात भी जाहिर हो सकती है, किसी को पता नहीं, वल्लाहु आलम। कल जुमा का दिन है, यही वजह है अल्लाह की कसम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान के अलावा जितनी मखलूक है जब तक सुबह नहीं होती है लरजते हैं, कांपते हैं, थर्राते हैं, डरते हैं, खौफ खाते रहते हैं, या अल्लाह कहीं ये सुबह जो होने वाली है वो सुबह तो नहीं है जुमा के जिस दिन तू दुनिया के अंदर कयामत लाकर दुनिया को खत्म कर देगा। सारे चरिंद परिंद सारी मखलूक डरती है, लरसती है, कांपती है, अगर डरता नहीं खौफ खाता नहीं तो सिर्फ इंसान बदनसीब है। सोचो दोस्तों कौन सी सुबह होगी पता नहीं। अल्लाह ने वक्त दिया है, शरीयत आपके सामने है, मसला है, वक्त है, वक्त से फायदा उठाओ, अपनी इस्लाह कर लो, कहीं उन लोगों में हमारा शुबा ना हो जाए, ईमान भी लाए या ईमान वाले हैं तौबा भी करें तो हमारी तौबा अल्लाह हमारे मुंह पर मार दे। जब सूरज इधर से निकलेगा तो अब सब आमाल की कबूलियत है, कोई ईमान लाया कबूल नहीं, कोई तौबा किया फिस्क फुजूर की जिंदगी तौबा कबूल नहीं। अब उसके बाद इधर से फिर आम तौर पर जैसे सूरज निकल रहा है सूरज निकलता रहे, ये पहली निशानी है दोस्त। दूसरी निशानी अभी दुखान नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया या कि धुआं जाहिर हो जाए। ये धुआं क्या है? रब्बुल आलमीन ने सूरह दुखान में कहा, दुखान के माने धुआं, एक सूरह का नाम ही रब्बुल आलमीन ने दुखान रख दिया जो 25वें पारे में है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया फरतकी यौम तअति السماو بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون। इंतजार करो जाहिर हो जाए आसमान पर धुआं, यक्षनास जो लोगों को ढांप लेगा और ये दर्दनाक आदाब होगा। जब दर्दनाक आजाब में दुनिया मुलव्वस होगी रब्बना اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون, लोग रोएंगे, लरसेंगे, कांपेंगे, थरथराते हुए हाथों से दुआएं करेंगे, ऐ रब
इस आदाब को हमसे हटा दे, हम ईमान लाते हैं। अब इसमें कुछ मुफस्सिरीन ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम पर जब जुल्म की हद कर दी, दुश्मनी की हद कर दी, सताते रहे नबी को, सहाबा को नबी समझाते रहे, कुफार मक्का मुशरिकीन मक्का बाज ना आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंग आ गए और आपने हाथ उठाया बारगाह इलाही में, रब से दुआ की, ऐ रब्बुल आलमीन इनके ऊपर कहत जालिम मुसल्लत कर दे, जो एक बड़ा आजाब है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को रब ने कबूल किया और फिर लोगों पर कहा मुसल्लत कर दिया। बारिश नहीं, गर्मी ज्यादा होने लगी, पैदावार रुक गई, जानवर मरने लगे, खाने के लिए गिजा नहीं। जब माएं कुछ खाना नहीं पा रही हैं तो उनके जिस्म में दूध भी नहीं बनता, मासूम बच्चे दूध के वजह से, ना पाने के वजह से चीखने चिल्लाने लगे। कमजोरी इतना आ गई, जब आसमान पे देखते तो उस कमजोरी के वजह से उनको धुधला धुधला नजर आता, धुआं धुआं नजर आता था। हड्डियां चबाने पे, मुर्दार खाने पे कुफार मक्का मजबूर हो गए, हड्डियां भी खाने लगे, मुर्दार भी खाने लगे। एक वक्त तक गुजरा, लेकिन जब हद हो गई तो ये मजबूर होकर प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गए, माफी तलाफी और रिश्तों का सिला रहमी का हवाला दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहम आया, अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ताला ने बारिश कर दी। लेकिन ये बदबख्त फिर अदावत, दुश्मनी, सरकशी, बदमाशी, जबर व जुल्म पर फिर वापस आ गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इनको सबक सिखाया ग़ज़वे बदर के अंदर। दोस्तों, एक मतलब तो धुआं का ये है जो अल्लाह ने कहत ये अंदाज में, जब खाने को नहीं मिला आसमान पर देखते धुआं धुआं नजर आ रहा था। लेकिन यहां कहा गया कि कियामत की निशानी अबित तो खान, तो मुफस्सिरीन ये कहते हैं कुर्ब कियामत बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये होगी, धुआं निकलेगा और ऐसा धुआं होगा जो हर इंसान के पीछे दौड़ेगा। इंसान बचना भी चाहेगा, कहीं भी चला जाए, कहीं भी डूब जाए पानी में धुआं से बचने के लिए, कहीं अपने आप को सात दरवाजों में बंद भी कर ले और कोशिश करे वो धुआं से बच जाए, तो अल्लाह की कसम वो धुआं से बच नहीं सकता। वो धुआं जहां हो जाएगा उसके पीछे जाएगा और वो दाखिल हो जाएगा। जब जिस्म के अंदर धुआं दाखिल होगा तो क्योंकि अजाब होगा अल्लाह का, दाखिल होने के बाद इंसान की हालत खराब होगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तड़पेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, बेचैनी होगी, तकलीफ होगी उसके जिस्म के अंदर। लेकिन मोमिन की शान अलग होगी, थोड़ी बेचैनी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको ऐसा लगेगा कि जुकाम हुआ, सर्दी हुई है, एक दो मरतबा छींकेगा वो हालत खत्म हो जाएगी, जो बेचैनी करेगी छींक के वजह से। लेकिन जो काफिर फासिक फाजिर होगा उसको छींक नहीं आएगी। अल्लाह की कसम सर के जितने बाल हैं, जिस्म के अंदर जितने ग्रोथे हैं, उनके जड़ों से वो धुआं निकले और ऐसा लगेगा कि कोई शख्स छुरी घुसा के हड्डियों को चीर रहा है। ऐसी तकलीफ, ऐसा दर्द होगा, वो काफिर,
वो मुनाफिक, वो बिदाती, वो जालिम, वो मुशरिक चीखेगा, चिल्लाएगा, तड़पेगा उसकी वजह से। ये वो अजाब होगा, ये वो निशानी होगी। ये निशानी जाहिर होने से पहले नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बादिरू बिल आमाल, तुम आमाल सालेहा करने में जल्दी कर लो। ये निशानियां जाहिर होने से पहले पहले, ये दूसरी निशानी होगी दोस्तों। और तीसरी निशानी अभी दज्जाल, दज्जाल का जाहिर होना। आज आम तौर पर हम देखते हैं हमारे मिंबरों मेहराब से दज्जाल का जिक्र, कियामत की इन निशानियों का तज़किरा नहीं होता। अल्लाह की कसम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी कयामत की अलामत है कि मिंबरों मेहराब से स्टेज से लोग दज्जाल का जिक्र करना छोड़ दें। आज जो चीज़ें होती हैं मिंबरों मेहराब पे, अब इस्लाह के लिए तो कम होती हैं, ज़्यादा काम की शहवत के लिए होती है, मज़ा के लिए, लज्जत के लिए। ये भी हमारी बड़ी बदबख्ती है दोस्तों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब कयामत दज्जाल का जिक्र मिंबर से नहीं होगा, स्टेज से नहीं होगा, मेहराब से नहीं होगा। और ये चीज हम देख रहे हैं, और ये वो फितना है, ये वो अजाब है दज्जाल, ये वो मुसीबत है। अल्लाह के कसम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब से दुनिया बनी है जब तक रहेगी, इससे बड़ा ना फितना कोई आया है मेरी उम्मत पर और ना इससे बड़ा कोई फितना आ सकता है। जितने अंबिया और रसूल कायनात में आए सबों ने अपने उम्मत के लोगों को दज्जाल और दज्जाल के फितने से डराया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब नबियों ने डराया और मैं भी डराते हुए वाज़े उसके सिफत बयान कर दे रहा हूं। वो एक आंख का काना होगा, दूसरी आंख में भी नुक्स होगा, अंगूर जैसे उभरी होगी, एक पैर उसका टेढ़ा होगा और उसके पेशानी पे लिखा होगा काफा। जितने ईमान वाले होंगे, कितना बड़ा भी जाहिल हो दुनिया में, कुछ भी पढ़ने नहीं आता, लेकिन अल्लाह के शान से ईमान के नूर से वो शख्स उस दिन जो इसके पेशानी पे काफा लिखा होगा वो पढ़ लेगा। आज बहुत से ऐसे दीन के दाई निकले हैं, ऐसे उलमा निकले हैं कि वो भी इस उम्मत के लिए फितना बन गए हैं। और वो कहते हैं हकीकत में वो दज्जाल नहीं है, ये अमेरिका और फ्रांस दो मुल्क हैं जालिम। असल में दज्जाल से मतलब ये है अमेरिका का का, फ्रांस का फर, काफिर। ये इस तरीके से कौम को इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं और मुसलमान गुमराह भी नौजवान हो रहा है। क्यों? कुरान हदीस सुनने में उसको मजा नहीं आता, इल्म हासिल नहीं करने आता, इसलिए वो गुमराह भी हो रहा है। काफिरों के बातों में जाल में फंस कर दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर रहा है। हकीकत में दज्जाल है। बुखारी की रवायत, हदीस की जितनी किताबें हैं सबूत से, एक सहाबी रसूल समुंदरी सफर कर रहे थे तो उससे मुलाकात भी हुई है तमीम रज़ियल्लाहु अन्हु, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताईद करते हुए लोगों को जमा करके ऐलान भी किया देखो मैं कह रहा था दज्जाल के बारे में, ये शख्स उससे मुलाकात भी कर लिया है, फरिश्तों ने उसको जकड़ दिया है वक्त मुकर्ररा तक।
जब वो वक्त पूरा हो जाएगा, जब निकलेगा, और उसके निकलने के पहले के जो हालात होंगे, बड़े खून खराबा, फसाद, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, और अल्लाह तबारक व तआला उसके जाहिर होने के 3 साल पहले से बारिश रोक लेगा, आधी बारिश, तिहाई बारिश, फिर 3rd साल अल्लाह की कसम आसमान से बारिश का एक कतरा भी नहीं आएगा, पूरे एक कतरा भी बारिश। जब आसमान से बारिश के कतरे नहीं आएंगे तो जमीन भी अपनी पैदावार को रोक लेगी, हाहू का आलम होगा, परेशानी का आलम होगा, कोई चीज पैदा नहीं, जानवर मरने लगेंगे, लोग मरने लगेंगे। सहाबा इकराम ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान, आपने फरमाया उनकी ग़िज़ा अल्लाह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह बना देगा। ये तस्बीहात पढ़ेंगे जिसके वजह से अल्लाह इनको ग़िज़ा पहुंचाएगा, कुव्वत पहुंचाएगा, तक़वियत पहुंचाएगा, इसकी वजह से ये जिंदा है। ये अल्लाह की शान होगी, मोमिनों के लिए मौजदा होगा। दोस्तों 3 साल बारिश नहीं, हाहू का आलम है, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, ऐसे वक्त में ये शख्स जाहिर होगा, और सबसे पहले ये शख्स जो है दावा करेगा नबूवत का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में 30 लोग नबूवत का, नबी होने का, रसूल होने का झूठा दावा करेंगे, और 30वां जो होगा वो दज्जाल होगा। अब ये शकील बिन हनीफ भी वही फितना है, इसके पहले अस्वद अंसी भी था, इसके पहले मुसलमा कज़्ज़ाब भी था, आज हजारों की तादाद में मुसलमान, खास करके नौजवान, या दीन से दूरी जहालत के वजह से, या कि दुनिया की मोहब्बत में उसके हाथ पर बैयत कर रहे हैं और उसको नबी मान रहे हैं, लोग घर को छोड़ दे रहे हैं, रिश्तों को तोड़ रहे हैं, लेकिन उसको नबी बरहक मान रहे हैं, ये जहालत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मुसलमान का कज़्ज़ाब हुआ था, अस्वद अंसी हुआ था, मुसलमान का कज़्ज़ाब वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के दौर में था। ये शख्स उस वक्त एक खातून भी, औरत भी नबी होने का दावा, उससे पूछा गया तू नबी, कहा कुरान में अल्लाह ताला ने कहा मर्दों में कोई नबी नहीं होगा, औरतों के लिए अल्लाह ने ये नहीं कहा औरतों में, इसलिए मैं नबी आऊं। फिर मुसैलमा और उस औरत से मुलाकात हुई तो मुसैलमा ने कहा तू ना मैं नबी हूं, तू नबिया है, चल दोनों आपस में निकाह कर ले। गूढ़ा गूढ़ी का खेल तीन हो गया दोस्तों, दोनों ने निकाह दिया, सुहागरात मनाई, जो उसके ऊपर ईमान लाए थे बहुत से लोग जानते थे ये झूठा नबी है, लेकिन कहते थे हमें सच्चे नबी से ज्यादा पसंदीदा ये हमारा झूठा नबी, हर चीज की छूट मिल रही है, कोई पाबंदी नहीं है, हमारे खानदान, हमारी बस्ती, हमारे कबीले का, इसलिए ये झूठा नबी हमें ज्यादा महबूब है, ये अल्लाह की बात। लोगों ने पूछा आप नबी और नबिया दोनों शादी कर लिए, सुहागरात भी मनाई, महर क्या है? उसने कहा हम दोनों के निकाह की महर यह है कि नमाज फजर और ईशा हमने अपने उम्मत से माफ कर दिया, ये मसला। तो खैर ऐसे बहुत से हुए हो रहे हैं, अल्लाह ताला ने अंजाम तक पहुंचाया, ये शकील बिन हनीफ को भी अल्लाह पहुंचाएगा। लेकिन नौजवानों इल्म हासिल करो, उलमा के करीब आओ,
ताकि इन फितनों से तुम महफूज रह जाओ, आखिरत आपकी सवर जाए। नबी ने फरमाया 30 झूठे नबी और उन्हें 30 की आदत और शुमार गिनती को पूरा करने वाला जो झूठे नबी का दावा करेगा ये दज्जाल होगा। कुछ दिन तो ये दावा करता फिरेगा, फिर कुछ दिन के बाद ये खुदाई दावा करेगा, मैं ही रब हूं, नऊज़ु बिल्लाह, मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही लोगों का माबूद हूं, ये दावा करते हैं। जब ये जाहिर होगा, लोगों में मशहूर होगा कि दज्जाल जाहिर हो चुका है, लोग उसकी तरफ कुछ भागेंगे, तो सच्चे ईमान वाले जो होंगे वो अपने घरों की तरफ भागेंगे। वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल के फितने में मुलव्वस होने वाली औरत नहीं। इसके फितने से अल्लाह के नबी ने बचने की दुआ में बताई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्र फितनत दज्जाल, अल्लाह दज्जाल के फितने से शर से बचा। अब फितना शर का क्या है? ये नहीं, ये दज्जाल का फितना दज्जाल नहीं है, लेकिन उसका फितना मौजूद है। दज्जाल ने खुदाई का दावा किया, करेगा, वो जो करामात बताएगा अपने हिसाब से झूठे, वो चीजें आज दरगाहों में और दुर्गा में बताई जाती है, और वहां पर सर झुकने वाले की तादाद औरतों की ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। जिस दरगाह पे देखो आप, जो शिर्क के अड्डे हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी की तादाद पाई जाती है तो औरतों की पाई जाती है। जब सिर्फ कहानियां सुन सुनकर दरगाहों पे पत्थरों के सामने औरतें सर झुकाने लगे, जब आंखों से वैसी चीजें देखेंगे तो बज़ाहिर हकीकत में दज्जाल को अपना रब मान लेंगे। इसलिए मुसलमान अपने औरतों के ईमान को बचाने के लिए अपने घरों में जाकर घर की कुंडी लगा देंगे, उनको रस्सियों में बांध देंगे, घर में कुफल मार देंगे ताकि औरतें घर से बाहर ना निकल पाए और इस शख्स के शर को ना देख सके, वरना कहीं इसके फितने में मुलव्वस ना हो जाए। इसलिए मुसलमान उधर भागेगा। ये शख्स जब जाहिर होगा तो सहाबा ने पूछा दुनिया में कितना दिन रहे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरा 40 दिन। जिस तरीके से तेज हवा चलती है उसी रफ्तार में ये पूरी जमीन की सैर करेगा। इसलिए कहा मसीह यानी सैर व तफरी सियाहत करने वाला, दज्जाल दज्जल से यानी फरेब दगा धोखा फरेब है, कुछ दिख रहा है कुछ है। कहा 40 दिन, नबी ने फरमाया हाँ 40 दिन। कहा 40 दिन में पूरी जमीन की वो सैर कर लेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वो जाहिर होगा तो पहला दिन जो होगा एक साल का होगा। उस वक्त दिन एक साल का होगा। सहाबा इकराम ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर नमाज कैसे, जब एक दिन एक साल का होगा तो 5 वक्त की नमाज पढ़े या कि एक साल की? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंदाजा लगा के तुम नमाज को पढ़ लेना। और दूसरा दिन आपने फरमाया 1 महीने का होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते का होगा। अब बचे 37 दिन, मामूल दुनिया के जो दिन है वो हिसाब से रहेगा। गोया कि वो शख्स दुनिया के अंदर 1 साल 1 महीना 1 हफ्ता 37 दिन रहेगा। इस हिसाब से दोस्तों जब वो चलेगा, मुस्लिम की रवायत है और तकरीबन सारे मुहद्दिसीन ने किताबुल फितन के अंदर नकल किया,
तो उसके साथ जन्नत और जहन्नम भी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो उसकी जहन्नम होगी हकीकत में वो जन्नत होगी, उसमें कूद जाना मीठा पानी होगा, और जो जन्नत होगी वो आग होगी, उससे बचना। अब इसके फितने क्या होंगे, ये शख्स खुदाई दावा करते हुए अपनी रुबूबियत की तरफ अपनी इबादत की तरफ लोगों को बुलाता रहेगा, एक बस्ती में पहुंचेगा और कहेगा अरे लोगों तुम हमको रब मान लो, खुदा मान लो, अल्लाह मान लो। वो लोग कहेंगे कैसे मान ले, क्या चाहते हो तुम, ठीक है हमारे अम्मा अब्बा को जिंदा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसी वक्त कहेगा उठो, नाम लेगा, उसके अम्मा भी उसके अब्बा भी उसके सामने कब्र से निकलेगी जिंदा होकर मुस्कुराते हुए, बेटा रब मान ले इसको। हालांकि वो हकीकत में उसके माँ बाप नहीं होंगे, शैतान होगा जो उसके माँ बाप की शक्ल में आकर खड़ा हो जाएगा, ये धोखा होगा, झुक जाएंगे रब मान लेंगे। इसी तरीके से बारिश करेगा जब उसको लोग रब मान लेंगे, बारिश नहीं हो रही, बारिश खूब होगी, घास उगेगी, जानवर जाएंगे सुबह भूखे, और जब वापस आएंगे तो एकदम मोटे ताजे पेट भरा होगा, दूध से तन भरा होगा। वो बस्ती से वो निकलेगा, दूसरी बस्ती में आएगा, कहेगा ऐ लोगों रब मान लो, वो लोग मानेंगे नहीं। अब वहां से जब निकलेगा तो वहां से जो खजाने होंगे वो जमीन से निकलकर उसके पीछे पीछे चलेंगे, वहां मुसीबत परेशानियां पहरेदारी होगी। ऐसे चलते हुए आखिरी एक नौजवान मिलेगा जो उस वक्त के सबसे बड़ा शहीद होगा, उसको बुलाएगा दज्जाल, दज्जाल के लोग पकड़ के लाएंगे, वो कहेगा रब मानो, पेशानी पर लिखा होगा, कहेगा नौजवान नहीं तू तो दज्जाल है, झूठा है, तू रब कैसे हो सकता है। वो शख्स गुस्से में आकर तलवार एक मारेगा, जिस्म के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़ा उधर एक टुकड़ा उधर। अब जिस्म के दो हिस्से के बीच में जो जगह होगी उसके अंदर वो दज्जाल फिरेगा, एक टुकड़ा उधर पड़ा हुआ एक टुकड़ा उधर, बीच में चल रहा है बार बार, लोग देख रहे हैं जिन्होंने रब मान लिया है। फिर उसके बाद जिंदा करेगा, करेगा उठ, उठेगा वो शख्स, कहेगा अब तो रब मानता है, ये है इल्म दोस्तों, ये है दीन का इल्म, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, बड़ा रहा सारे लोगों के सामने, बीच में ये घूमता रहा तफरी करता रहा, दोबारा जिंदा करके खड़ा होके कहता, खड़ा करके कहता अब रब मान ले, खुदा मान ले। वो नौजवान कहेगा बड़ा खुश नसीब होगा दोस्तों, बड़ा खुश नसीब होगा, बड़ा खुश नसीब होगा। वो कहेगा अब तो मुझे 100% यकीन हो गया तू दज्जाल ही है, हमारे आप जैसे लोग रहते सर झुकाना शुरू, हम अपने ईमान का तजजिया करें दोस्तों, जायजा लें कहीं ऐसा ना हो ये फितना हमारे सामने जाहिर हो जाए, तो जो हमारे ईमान की कमजोरी जहालत की कमजोरी है हमें कहां तक लेके जाएगी। तो अब दोबारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आखिरी नौजवान होगा बड़ा मुजाहिद, बड़ा शहीद, बड़ा खुश नसीब। अब उसके गर्दन को अल्लाह ताला पीतल की बना देगा, तांबे की, और उस पर ये बार बार मारेगा लेकिन कुछ असर, एक बार कर दिया अब दोबारा नहीं, आग में फेंक देगा उसको। ये आखिरी शख्स होगा जिस पर ये कत्ल करेगा दज्जाल, इसके बाद किसी को कत्ल नहीं कर पाएगा। इस अंदाज में वो फितना फसाद बर्पा करता रहेगा,
तो आप गौर करें वो फितने आज कब्रों पे हो रहे हैं कि नहीं, जो वो चीज तक आएगा शोरदाबाजी करेगा। आज मंदिरों में वो चीजें जाहिर हो रही हैं कि नहीं हो रही है, और कहां तक इंसान जब ये कहानियां सुनकर इन फितनों से नहीं बच पा रहा है, आंखों से देखकर ये चीजें अपने आप को कहां से फितनों से बचा सकेगा, फसाद बर्पा करता हुआ चला जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इधर इमाम मेहदी वो लश्कर तैयार करेंगे, नमाज फजर का वक्त होगा, आजान होगी, इकामत कही जाएगी, मुसल्ले पे इमाम मेहदी होंगे, और फिर उसी वक्त दमिश्क के मनारे पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला आसमान से उतारेगा। अंदाज यह होगा दो फरिश्ते होंगे, उनके हाथ उन पर ऐसा पर हाथ इस तरीके से बिछाए होंगे, वो अपने परों से संभालेंगे, पसीना टपकता होगा जो मोतियों जैसा चमकता होगा, मस्जिद के अंदर दाखिल होंगे, इमाम मेहदी पीछे आ जाएंगे, आज नबी उतरा है, कहेंगे चलिए इमामत के लिए, कहेंगे नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, कहेंगे आप नहीं तो आपसे बढ़कर इस वक्त कौन है, इमामत आप करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, इकामत तुम्हारे लिए कही गई है और तुम ही नमाज पढ़ाओगे, चलो आगे बढ़ा देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की ये शान, नबी की उम्मत की ये फजीलत, दोस्तों नबी फख्र करता है उसके पीछे नमाज पढ़ने में, क्या शान है इस उम्मत की, कितनी बड़ी फजीलत है। और दूसरी तरफ पैगाम ये है कि अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे नबियों की इमामत करके इमामत को खत्म कर दिया है, अब शरीयत कानून दस्तूर चलेगी तो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अब कितना बड़ा भी कोई इमाम बुजुर्ग आ जाए उसकी बात वो मानी जाएगी जो अल्लाह व रसूल के मुआफिक हो, और अगर अल्लाह व रसूल के मुआफिक नहीं होगी तो अल्लाह की कसम कितना बड़ा भी इमाम हो, बुजुर्ग हो, वली हो, उसकी बात मानी नहीं जाएगी। अल्लाह ताला यहां साबित कर दिया है, कहेंगे पढ़ाओ नमाज, हजरत इमाम मेहदी नमाज पढ़ाएंगे, और फिर जब नमाज से फारिग होंगे कहेंगे दरवाजा खोल दो, वहां दज्जाल 70,000 की तादाद में खड़ा होगा मारने के लिए लड़ने के लिए। जब दरवाजा खुलेगा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सांस की हवा जहां तक जाएगी, जिन पर लगेगी वो खुद ब खुद मर जाएंगे, और दज्जाल ऐसा पिघलेगा जैसे नमक में नमक को पानी में डाल दिया जाता है। नबी रहमत ने फरमाया अगर छोड़ दिया जाए तो वैसे ही घुलकर वो खत्म हो जाएगा, लेकिन क्योंकि रब ने मुकद्दर कर दिया है ईसा अलैहिस्सलाम के तलवार से कत्ल होना, इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम ये सारे मुसलमानों को लेकर निकलेंगे, वो भागेगा अपने लश्कर को लेकर, मकाम लुद पर पाएंगे कत्ल उसको कर देंगे, उसके खून से तलवार लाल होगी, और उसके जो लश्कर के लोग होंगे सब यहूदी, गोया दज्जाल यहूदियों से है, वो इधर उधर फारेंगे, यहां तक कि जिस दरख्त के नीचे कोई यहूदी छुपेगा मुसलमानों के डर से, वो दरख्त कहेगा अय मुसलमान आ यहां पर एक यहूदी छुपा है इसको मार दे, मुसलमान पहुंचेगा मारेगा, जिस पत्थर के आड़ में छुपा होगा
वो पत्थर आवाज देकर बुलाएगा, मुसलमान आ इसको मार, मुसलमान पहुंचकर कत्ल करेगा। लेकिन एक दरख्त है गरबद का दरख्त है। आज मुसलमान को नबी के फरमान पर यकीन नहीं। अल्लाह की कसम उस मकाम पर हदीस में जहां निशानदेही की है, नबी के हदीस पर यहूदियों को इतना यकीन है, उस गरकद के दरख्त को अपना दोस्त समझते हैं। आज लाखों की तादाद में वो दरख्त लगा रहे हैं कि ये दरख्त हमको बचाएगा। इतना यकीन, इतना यकीन, हमें यकीन नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरतुल कहफ के याद कर ले, यानी याद करने के बाद उसमें जो अल्लाह का हुक्म है अमल करे, तो दज्जाल के फितने से, दज्जाल के शर से अल्लाह बचाएगा। आज कोई मुसलमान इल्ला माशाल्लाह उसको जानता हो, याद करता। यहूदी को यकीन नबी के फरमान पर, जबकि सबसे बड़ा दुश्मन नबी का। लेकिन गरकद नबी ने बता दिया तो ये दरख्त लगाना शुरू किया कि इसके वजह से हम बच सकते, ये हमारा दोस्त है। लेकिन नबी ने ईमान वालों को कहा, ईमान वालों को यकीन नहीं है दोस्तों। इस तरीके से दज्जाल और दज्जालियों का खात्मा हो जाएगा दोस्तों। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी दज्जाल, दज्जाल ये कयामत की बड़ी निशानी अलामत में से एक है। इसके जाहिर होने से पहले पहले आमाले सालेहा करने में तुम जल्दबाजी से काम लो। अगर ये जाहिर हो गया, बेईमान ईमान लाया, तो उसका ईमान लाना नफा नहीं देगा। गुनहगार तौबा करेगा तो उसकी तौबा अल्लाह काबिले कबूल नहीं फरमाएगा। ये तीसरी चीज हो गई। एक सूरज का मगरिब से निकलना, दूसरा धुआं का जाहिर होना, तीसरे दज्जाल का जाहिर होना। बड़े इख्तिसार के साथ हमने इसको आपके सामने रखा है, फिर किसी फुर्सत में इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, अभी दाबा चौपाया जानवर ये जमीन से निकलेगा। सूरह नमल 20वां पारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ। ये चौपाया जमीन से निकलेगा जब अल्लाह का वादा साबित हो जाएगा, और ये निकलकर तुकल्लिमुहुम अन्ना नास लोगों से बात करेगा जैसा इंसान इंसान से बात करता। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है दोस्तों। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों को सर के बल चला के दोजख में दाखिल किया जाएगा। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी सर के बल कैसा चलेगा? नबी ने फरमाया, जो रब लोगों को कदमों के बल चला सकता है, वो रब सर के बल भी चला सकता है। जो हमें कुव्वत गोयाई दे सकता है, वो रब हर चीज पर कादिर है, जानवर को भी कुव्वत गोयाई दे सकता है, बात करने की ताकत दे सकता है। कुरान कहता है, तुकल्लिमुहुम अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युमिनून, लोगों से बात करेगा कि आयतों पर तू यकीन क्यों नहीं किया। ये कब जाहिर होगा? जब गुनाह आम होगा, बिदआत आम होगी, शिर्क आम होगा, कुफ्र आम होगा, बदकारियां आम होगी, खयानत आम होगी, फिस्क फजूर आम होगा, गुनाह आम होगा, और कोई शख्स उस मकाम पर अच्छाइयों की तरफ बुलाने वाला नहीं होगा, अमर बिल मारूफ की दावत देने वाला नहीं होगा, कोई गुनाहों से रोकने वाला नहीं होगा, कोई जिनाकारी, बदकारी, रिश्वत, सूद, चोरी, खयानत, शिर्क, बिदअत, खुराफात, कुफ्र, फिस्क से रोकने वाला नहीं होगा, कोई बुरा समझने वाला नहीं होगा, तो ये अल्लाह के अजाब के वाक़े होने का वक्त होगा।
ऐसे वक्त में रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है कि हम चौपाए को उतारेंगे, और वो लोगों से कहेगा हमारे रब की आयतों पर तुरी यकीन नहीं किया, ईमान नहीं लाया, बात नहीं किया। अब उसकी शक्ल शुबहात सूरत सही हदीसों से तो साबित नहीं है, लेकिन इसराइली रवायात बहुत है, बहुत ज्यादा है, उसको बयान करना कर बस हम मान ले रब जानवर निकालेगा, ये कयामत की अलामत में से एक अलामत होगी, निशानी से। और बहुत सारी इसराइली रवायत है, वल्लाहु आलम, कुछ मुफस्सरीन ताईद भी करते हैं, हम इनकार भी नहीं, इकरार भी नहीं नबी के फरमान मुताबिक। उसके साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी भी होगी, मूसा अलैहिस्सलाम का आसा भी होगा, और जिस शख्स के पेशानी पे मार देगा, मोमिन होगे तो पेशानी चमक उठेगी, या कि कुछ लोगों ने कहा मोमिन लिखा जाएगा, नूर चमकता होगा पेशानी। और जो फासिक फाजिर बिदाती काफिर मुशरिक होगा, उसके पेशानी में जब निशान मारे गए इन चीजों से, तो उसकी पेशानी स्याह काली मनहूस हो जाएगी। अब बाजार में लोग चलेंगे तो कहेंगे अय काफिर अय मोमिन, जो उसने निशान मारा, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी दाबा, ये चौथी निशानी है, अगर जाहिर हो गई फिर उसके बाद कोई ईमान लाता है, बेईमान ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा, उसका ईमान लाना फायदे बख्श नहीं होगा। लम तकुन आमनत मिन कब्ल व कसबत फी ईमानिहा खैरा, कोई मुसलमान के घर में है लेकिन फिस्क व फजूर की जिंदगी है, तौबा करेगा जानवर देखने के बाद तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को भी कबूल नहीं करेगा। आगे पांचवी चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औ खासत अहदिकुम, जो मामला हर शख्स के साथ खास होगा। क्या मामला खास होगा? किसी को आजिज कर देने वाली बीमारी लाजिक हो जाए। आज यहां हम अल्लाह के फजल से सेहतमंद हैं, छोटी मोटी बीमारियां हैं, और ये भी एक मोमिन के लिए फायदा बख्श है, आजमाइश है। वमन यअमल सुअन औ युजज़ा बिहि, वमन यअमल सुअन औ युजज़ा बिहि, याद नाजिल की रब ने जब सूरह निसा की कि जो शख्स बुरा करेगा जर्रा बराबर उसको उस बुराई की सजा दी जाएगी। जब यह आयत नाज़िल हुई तो सहाबा पर बहुत भारी गुजरी, सिद्दीक ने सिद्दीकों ने नबी से सवाल किया, अल्लाह के नबी कौन ऐसा है जिससे गुनाह ना होता हो, जुल्म ना होता हो, हर जुल्म की गुनाह की गलती की सजा, तो फिर कैसे नजात है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है? हाँ। बुखार आता? हाँ। आपने फरमाया ये बुखार जब आता है तो इसके जरिए से अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को तुमसे दूर कर देता है, माफ कर देता है। इसीलिए आपने कहा किसी को बुखार आए तो बुखार को बुरा मत कहो। आज कुछ लोग आ रहे, भाई आप बहुत सेहतमंद है, इसकी माँ की कभी बुखार ही नहीं आया। अच्छा, अरे बुखार ना आना ये बदकिस्मती है, बुखार का आना खुशकिस्मती है, इसके जरिए से अल्लाह हमारी जिंदगी के गुनाह को दूर कर देता है, माफ कर देता है, धो देता है। इसी तरीके से आपने फरमाया कोई ठोकर नहीं लगती, कोई कुछ तुमको कहा दिल को ठेस नहीं पहुंचती, हत्ता कि यहां तक आपने फरमाया तुमने अपने पास कोई चीज रखा है
और फिर उस चीज की जरूरत पड़ी और फिर जेब में डाला, उस चीज को तलाश किया और वो चीज ना मिली, तो थोड़ी देर के लिए जो बेचैनी होती है, दिल को तकलीफ पहुंचती है, बेकरारी होती है, फिर जेब में डालो, वो चीज जो रखे थे नहीं मिली, तकलीफ पहुंची, फिर मिल गई, तो इतनी देर में दिल को जो तकलीफ पहुंची थी, जो तुमको बेचैनी पहुंची थी, उसके वजह से भी अल्लाह तुम्हारा गुनाह माफ कर देता है। वमन यअमल सुअन औ युजज़ा बिह, ये अल्लाह का शुक्र है, छोटी मोटी बीमारियों में अल्लाह ताला हमको गुनाहों से पाक कर दे रहा है। हम तो कहते हैं आज शादी खानों में मत जाओ, दावतों में मत जाओ, अगर अपनी थोड़ी भी ईमानी गैरत है, आखिरत की याद ताजा पैदा करना है, तो खुद भी जाओ, अपने बीवी बच्चों को भी ले जाओ किसी अस्पताल में, और कैसे कैसे बीमार हैं जो शिफा नहीं मांगते बल्कि अल्लाह से मौत की भीख मांग रहे हैं। हम गए, एक हट्टा कट्टा नौजवान है, देखते हैं उसके दिल में जब आता था वो कर गुजरता था, करना डरता, ठहरा है यहां पर रोड के किनारे, एक ऑटो गया, थोड़ी सी हवा लगी, गिरा पीछे, रीढ़ की हड्डी टूट गई। लोग मिलने जाते हैं तो लोगों से रो कर तड़प कर कहता, मेरे भाई दुआ करना तो सिर्फ इतनी दुआ करना कि सिर्फ अल्लाह ताला इतनी ताकत दे कि मैं उसके सामने पांचों वक्त सजदा कर सकूं। आज सजदा भी करना चाह रहा है तो सजदा कर पा नहीं रहा है। जाओ, अपनी इस्लाह करना है, अपना अंजाम देखना है, कल के दिन किसके साथ क्या हो सकता है पता नहीं दोस्तों, वहां जाकर अपने ईमान को ताजा करो। एक मर्तबा जाओ महीने में, देखो कैसे कैसे लोग, बीमारियों ने उनको आजिज कर रखा है, थका दिया है, हद तो यह है। मेरे पास एक सामने एक साहब सामने खड़े होते हैं, मौलाना अल्लाह गुनाह माफ करेगा कि नहीं, मेरा बेटा है 24-25 साल का, आजिज आ गए खिदमत करते करते। अगर आप कहें कहीं कुछ गुंजाइश है तो उसको जहर देकर मार दे, माँ बाप पे जाकर मार दे, और खास सत अहादिकुम, आजिज कर देने वाली बीमारी है या बुढ़ापा है, कितने लोग घर वाले नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, घर वाले ताना, औलाद ताना, चाहे दिए जल्दी मर जाए, इंतजार है, दुआएं हैं, लेकिन मर नहीं रहा, वो भी लोगों की बेरगबती देखकर मौत मांग रहा है, खुद चल नहीं सकता, ले नहीं सकता, अपनी जरूरत पूरी नहीं करता, और अपने आप से वो शख्स घिन खा रहा, बेजार हो रहा है। ऐसा वक्त आने से पहले पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरु बिल आला आमाल, अच्छे आमाल कर लो दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो, ऐसा वक्त आ जाए, ऐसी बीमारी आ जाए, तुम एक मर्तबा सर झुकाना चाहो, रुकू करना चाहो, रब के सामने सीधा ठहरने चाहो, तो ये चीजें तुम कर नहीं सकते, कितना भी तड़प लो, वक्त है दोस्तों, वक्त है। मौत आ जाए, फरिश्तों को देख लो, आज कैसे कैसे लोग, डॉक्टर साहब हैं करोड़ों के, लोगों ने समझाया, भाई बहुत कमा लिए, कम से कम अब तो हज कर लो, छोटी सी उम्र में अल्लाह ने अरबों का मालिक बना दिया, अरबों का मालिक बना दिया, कर लो। कहा ठीक है, दोस्तों के पास से उठा, घर में गया, बीवी साथ बैठी, खाना खाने की शुरू किया, जैसे निवाला यहां हाड़ आया, मर गया। यह है मौत दोस्तों, हर दिन हम देखते रहते, और खास सदर अहादी को, यह हर एक के सामने आने वाली है, ये वक्त आने से पहले कब आ जाए ये बता के आने वाला नहीं है। और फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छठवीं चीज बयान फरमाई कि औ अमर अल आम्मा,
जो आम लोगों के साथ मामला आ जाए, मसलन कि ऐसे फितने आम हो जाएं, कत्ले आम होने लगे, कत्ले आम। आज देखते हैं ना, फितना जब बरपा होता, हम अपने घरों में भी रहते हैं तो लरसते रहते हैं कहीं, लेकिन हमारे दिलों की जो कैफियत थोड़ी देर खत्म, सब भूल जाते, इसलाह करते नहीं। या ऐसा फितना आ जाए, लोग जमात दर जमात कुफ्र और शिर्क में दाखिल होने लगे। ये चीजें भी आज देख रहे हैं, हजारों लाखों की तादाद में ऐसे फितने, ऐसी जमातें निकल गई हैं कि लोग उसमें दाखिल हो रहे हैं, कुरान सुन्नत को छोड़ दे रहे हैं। ये वक्त आने से पहले पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल सालेह करो जिसकी वजह से अल्लाह तुम पर रहम खाएगा। तो खैर, मुख्तसर ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, हल यंदुरून इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका, क्या इन लोगों का इंतजार है कब ये सुधरेंगे, कब इस्लाह करेंगे, कब अच्छा अमल करना शुरू करेंगे, क्या फरिश्ता इनके सामने आ जाए, यानी मौत के फरिश्ते आ जाए जब सुधरोगे। अब मौत का फरिश्ता कैसा है, कल के दर्स में इंशाल्लाह वो बात आएगी, क्योंकि कल जो का पारा पढ़ा जाएगा, जो हिस्सा, उसके अंदर ये चीज अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, वो बात आएगी। या कि रब सामने आ जाए, क्या मतलब, कयामत कायम हो, रब आपको अपने सामने ठहराए और पूरी जिंदगी के एक एक लम्हा, एक एक सेकंड के बारे में सवाल, उसका इंतजार है। या जो निशानी अभी हमने छह गिनाई है, सूरज मगरिब से निकल जाए, या धुआं जाहिर हो जाए, या दज्जाल, या जमीन का चौ पाया, या कि हमारे ऊपर खुद ऐसा बुढ़ापा, ऐसी बीमारी कि हम आजिज आ जाएं, या कि ये आम तौर पर फितने आम हो जाए, कत्ल आम आम हो जाए, कुफ्र शिर्क के अंदर लोग गिरोह दर गिरोह दाखिल होने लगे, इसका इंतजार है। इससे पहले पहले तुम आमाले सालेहा कर लो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सही मानों में कुरान सुन्नत समझने और उस पर गौर करने और गौर करके अपनी इस्लाह करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।